शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर पर विचार अभी नहीं किया गया है, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमसे मिले थे। अभी फिलहाल शिक्षा विभाग का ध्यान बीपीएससी से बहाली और सक्षमता पास कर रहे शिक्षकों पर है। जो नए प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है, अभी फिलहाल विभाग उसी पर काम कर रहा है। अभी गेस्ट टीचर को लेकर के कोई फैसला सरकार ने नहीं किया है। महिला टीचर से शोषण के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, विभाग इसको देख रहा है और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह से बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार देख रही है और इसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैदी बनाए हुए है और इस को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से चौकस भी है। तो वहीं तेजस्वी यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस पर सुनील कुमार ने कहा कि ये एजेंसियों का काम है, एजेंसी अपना काम कर रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में एजेंसी के पास सबूत होंगे, तभी चार्जशीट दाखिल हुई है। देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है, आपकी बातों पर रिव्यू अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।